नमस्ते, हूँ आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 11 नाउंस सिंगुलर प्लूरल। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 नाउंस। नाउंस के बारे में कुछ नया सीखना है तो चैप्टर नंबर 11 में क्या है, चलो रीड करो। यस, सिंगुलर एंड प्लूरल। यस, नाउन में हमें सिंगुलर एंड प्लूरल सीखना है, राइट? ओके, सो जब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर ग्रामर बुक एट चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 26, राइट स्टूडेंट? ओके, आफ्टर ओपनिंग योर बुक, चलो अब हम रीड करते हैं हमारा डेफिनेशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अ नाउन दैट मेक्स वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर, राइट? तो बच्चों आपको नाउन्स तो पता ही है, राइट? हमें नाउन्स के बारे में बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, राइट? ओके, एंड देन नाउ व्हेन इट इज ओनली वन थिंग, नाउन दैट मेक ओनली वन, यानी कि ओनली वन, दूसरा नहीं, एक चीज भी आपको दिखती है, द नेम वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर, यानी कि एक थिंग के लिए, वन थिंग के लिए हम सिंगुलर कहते हैं, राइट? एंड देन नाउन्स दैट नेम मोर देन वन थिंग्स आर कॉल्ड प्लूरल, इट मींस वन नहीं, मोर देन वन, एक नहीं, एक से ज्यादा जब आपको थिंग्स नेम होती है, राइट? इट मींस यू कैन सी द एक से ज्यादा नाउन्स आप देखते हैं तो हम उसे कहते हैं प्लूरल। क्या कहते हैं? प्लूरल। वन थिंग के लिए सिंगुलर एंड मोर देन वन थिंग्स के लिए हम कहते हैं प्लूरल, राइट? ओके, सो मोस्ट ऑफ नाउन्स आप देखोगे तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं, इट मींस कि जहां पे सिर्फ नाउन के पीछे एस एड करने से उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। यस, पता है आपको? यस, जैसे कि आपको बुक है आपके पास, ओके, जैसे कि यू हैव ओनली वन बुक इन योर बैग, एक बुक है आपके पास, इट मींस बी डबल ओके बुक, राइट? ओके, तो बुक यानी कि वन थिंग है। इफ आई हैव सम मोर बुक्स, राइट? अभी मेरे पास कितनी बुक है? इतनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? यस, इट इज नॉट वन, इट इज मोर देन वन, राइट? यहाँ पे तो बहुत सारी बुक्स है, बुक्स, बी डबल ओ के एस, बुक्स, देखा? हाँ, तो बुक्स, बुक सिंगुलर नाउन एंड बुक्स अब प्लूरल नाउन, राइट? देखा बच्चों? तो चलो पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे आप बोर्ड में देख सकते हो, राइट? ओके, सो हियर आई हैव ड्रॉ स्पून, राइट? मैंने एक स्पून ड्रॉ की है, राइट? स्पून जैसा दिखता है ना? हाँ, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पून, राइट? ओके, देयर इज ओनली वन स्पून, कितनी स्पून है? ओनली वन, वन थिंग के लिए हम क्या करेंगे? यू कैन सी हियर नेम वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर, राइट? वन थिंग के लिए हम कहेंगे सिंगुलर, इट मींस दिस स्पून सिंगुलर है कि प्लूरल है? वेरी गुड, सिंगुलर, राइट? बिकॉज इट इज ओनली वन। एंड देन द नेक्स्ट टाइम यू कैन सी हाउ मेनी स्पून आर देयर, चलो काउंट करते हैं, वन टू थ्री, थ्री कितनी है? थ्री, राइट? ओके, थ्री स्पून है, इट मींस वन है या फिर मोर देन वन है? यस, इट इज मोर देन वन, यानी कि एक नहीं एक से ज्यादा है, राइट? तो हमें एक से ज्यादा है तब हम क्या कहेंगे? स्पून्स, राइट? तो स्पून्स आप जब कहते हो, ओके, तो सिर्फ आपको क्या करना है? यू हैव टू एड ओनली एस, स्पून प्लस एस, इट मींस स्पून्स, क्या हो जाता है? स्पून्स, वेरी नाइस, चलो राइट डाउन करते हैं पहले, ओके, चलो स्पून एस द पी डबल ओ एन प्लस, प्लस यानी कि एड करना, यू हैव टू एड, कुछ रिमूव नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू एड एस, यस, एस एस पी डबल ओ एन स्पून प्लस एस स्पून्स, क्या हो जाता है? स्पून्स, वेरी नाइस, ओके, देखा आपने कितने अच्छी तरह से आपने सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिया, अच्छा लगता है ना? यस, तो
देखा बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं सिर्फ वहां पे एस ऐड करने से वो प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन देखा ना, टू मेक अ प्लूरल नाउन वी यूजुअली ऐड एस। देखा सिर्फ हमने स्पून प्लस एस करते ही वो सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गया। कितना इजी है ना, इजी, वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे देखते हैं द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे है पेंसिल, राइट। आज मेरा बर्थडे है तो मैं आपके लिए पेंसिल लेके आ रही हूँ, राइट। ओके, मैंने आपको वन पेंसिल दी है एंड देन नेक्स्ट डे मैं आपको ज्यादा पेंसिल देती हूँ बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन पेंसिल है, इट मीन्स यहाँ पे कितनी पेंसिल है, ओनली वन पेंसिल है। एंड देन नेक्स्ट लेफ्ट साइड वन टू थ्री एंड फोर, राइट। तो आपको क्या करना है, यस सी ए
frog, frogs. Okay. Next is grape. G-R-A-P-E-S. Grapes. Pencil. P-E-N-C-I-L-S. Pencils. Yeah. Okay. Next. Number 6 is table. Right? T-A-B-L-E-S. Tables. Right? Next is ruler. Okay? Now, R-U-L-E-R-S. Ruler. And next is rat. R-A-T-S. Rats. Right? Okay. So, yahan pe ek baar phir se kar lete hain. Cage. Cages. Bottle. Bottles. Frog. Frogs. Grape. Grapes. Pencil. Pencils. Table. Tables. Ruler. Rulers. Rat. Rats. Right? Now, number 9. B-A-T. Bat. B-A-T-S. Bats. B-A-T-S. Right? Now, next is boy. B-O-Y-S. Boys. Right? Aapko bhi mere saath karte jana hai. Right? Okay. Next is book. B-O-O-K. Book. B-O-O-K-S. Books. Right? Next is key. K-E-Y-S. Keys. Yani more than one. Very good. Next is girl. G-I-R-L-S. Girls. Right? Okay. Next is spoon. S-P-O-O-N-S. Spoons. Kya kahenge? Spoons. Yes. Shoe. S-H-O-E-S. Shoes. Right? Next is number 10. Sorry, ek baar read kar lete hain. Bag. Bag. Bags. Boy. Boys. Book. Books. Key. Keys. Girl. Girls. Spoon. Spoons. Shoe. Shoes. Right? Next is phone. P-H-O-N-E-S. Phones. Kya kahenge? Phones. Yes. Next is window. Window. W-I-N-D-O-W-S. Windows. And then last one is fan. F-A-N-S. Fans. Phone. Phones. Window. Windows. Fan. Fans. तो एक्सरसाइज ए में हमने यूजुअली एस ऐड किया था, राइट? तो सेम एज इट इज यू हैव टू डू एक्सरसाइज बी. देयर यू कैन सी देयर आर सम पिक्चर्स एंड यू कैन सॉल्व देम. वेल, आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी कर सकते हो, राइट? एक्सरसाइज ए हमने कंप्लीट कर ली. एक्सरसाइज बी आपको होमवर्क में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करनी है. एंड देन एक्सरसाइज सी में आपको क्या करना है, लेट्स टेल यू. फर्स्ट, राइट द प्लूरल फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग. राइट? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू राइट द नंबर फर्स्ट. राइट? नंबर का नेम भी लिखना है, नंबर नेम, एंड देन यू हैव टू चेंज द प्लूरल फॉर्म. राइट? ओके. तो एक्सरसाइज ए हमने कंप्लीट की. एक्सरसाइज बी एंड सी यू हैव टू डू एट योर होमवर्क. राइट चिल्ड्रन? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.